एचआरटीसी धर्मशाला डिपो में 15 वर्ष का समय पूरा कर चुकी 7 बसों को 31 मार्च को खड़ा कर दिया गया है। इन बसों को अब धर्मशाला से जसूर डिपो के लिए रवाना किया जाएगा, जहां इन 7 बसों को कंडम डिक्लेयर करके नीलाम कर दिया गया। वहीं ये 7 बसें धर्मशाला डिपो में विभिन्न रूटों पर चल चुकी हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 15 वर्ष पुरानी बसों को नहीं चलाया जा सकता। इन आदेशों की पालना करते हुए धर्मशाला डिपो की 7 बसों को खड़ा कर दिया गया है। इसकी एवज में विभाग द्वारा 5 नई बसों को धर्मशाला डिपो में शामिल किया जाएगा। मौजूदा समय में धर्मशाला डिपो में 134 बसें धर्मशाला के विभिन्न रूटों पर चल रही हैं। मैडम, धर्मशाला डिपो में 7 गाड़ियां ऐसी हैं जो 15 साल पुरानी हैं और उनको सरकार के निर्देशानुसार जो है 31 मार्च को खड़ा कर दिया गया है। ये जो है लोकल रूट ही केटर करती थी बसें, लेकिन विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को कोई असुविधा ना हो और बसें जो है सुचारू रूप से चलाई जा सकें, इसलिए जो रिजर्व फ्लीट है हमारी उससे जो इन रूटों को केटर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें 134 बसें हैं टोटल, जो अंतर्राज्यीय रूटों पे भी चल रही हैं और लोकल भी चल रही हैं। मैंने 15 वर्ष पुरानी जो बसें हमने खड़ी की हैं, इसके बदले में विभाग द्वारा हमें जो है नई बसों की पूर्ति की जाएगी, जो कि पाइपलाइन में है। अभी उम्मीद है 5 गाड़ियां तो कम से कम धर्मशाला क्षेत्र को मिलेंगी।